ये कहानी है ट्रेवर नाम के एक मशीन ऑपरेटर की, जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसका शरीर एकदम दुबला पतला था। इसका कारण ये नहीं था कि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता या फिर ठीक से खाना नहीं खाता, बल्कि उसके इस दुबले पतले और कमजोर शरीर का कारण था कि ड्राइवर पिछले एक साल से लगातार सोया नहीं। अब ऐसा नहीं था कि उसने सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही उसकी आँख लगती थी, कोई ना कोई चीज उसकी नींद बिगाड़ देती थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कोई आदमी 12 दिन भी ना सोए तो वो पागल हो जाता है। तो यहाँ ट्रेवर के केस में ऐसा क्या था कि वो पिछले एक साल तक बिना सोए भी जिंदा है? ट्रेवर की इस बीमारी का कारण था उसका अतीत। उसने एक साल पहले कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। कि किस तरह कुछ घटनाएं लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। उसकी इस बीमारी की वजह से ट्रेवर की जिंदगी नरक से भी बदतर होने लगी थी। क्या ट्रेवर इसका कोई इलाज ढूंढ पाएगा या वो ऐसे ही मर जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी ये मूवी जिसका नाम है द मशीनिस्ट। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम ट्रेवर को देखते हैं जो रोजमर्रा की तरह एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स उसे हर रोज देखते थे और उन्हें लगता था कि ट्रेवर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। लेकिन ट्रेवर ने उन लोगों को कभी नहीं बताया कि वो पिछले एक साल से सोया नहीं, क्योंकि अगर उसकी फैक्ट्री में किसी को भी इसके बारे में पता चलता तो वो लोग उसे काम से निकाल देते। ट्रेवर की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम स्टीवी है। स्टीवी एक प्रोस्टिट्यूट है, पर वो ट्रेवर को पसंद करती है। ट्रेवर को अपनी इस नींद न आने की बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं रहता था, इसलिए वो अपने फ्रिज पर एक नोट लिखकर चिपका देता था ताकि उसे पिछले दिन की बातें याद रहें। क्योंकि वो कभी सोता नहीं था, इसलिए वो रात को कब्रिस्तान में काम करता था और लगभग रात को 1:30 बजे वो पास के एक एयरपोर्ट पर कॉफी और ब्रेड खाने आता था। इसलिए नहीं कि उसे भूख लगती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ मारिया नाम की एक वेट्रेस थी जिससे बात करके ट्रेवर को अच्छा लगता था। मारिया अक्सर उसे सलाह देती थी कि वो खुद का ध्यान रखे क्योंकि उसका शरीर दिन ब दिन खत्म हो रहा था। एक दिन ड्राइवर का सुपरवाइजर उसे अपने कैबिन में बुलाता है। उसे उसके बिहेवियर को लेकर उससे बात करनी थी। वो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, पर वो उसे भी अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता। ड्राइवर शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने घर जा रहा था। बाहर बारिश का मौसम था। वो थोड़ा सोने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसकी आँख लगती है, एक आदमी उसे उसकी नींद से जगा देता है। वो आदमी अपना नाम इवान बताता है। वो कहता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन ड्राइवर ने वहाँ उसे पहले कभी काम करते हुए नहीं देखा था। अगले दिन ड्राइवर फिर से अपने काम पर आता है। वो मिलर नाम के एक वर्कर की मशीन फिक्स करने में मदद कर रहा था, पर तभी ड्राइवर की नज़र इवान के ऊपर जाती है। इवान उसे अजीब से इशारे करता है, जिसे देखकर ड्राइवर को थोड़ा अजीब लगा। वो गलती से उस मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मिलर का हाथ उसमें फंस गया था। सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर उसका हाथ पूरा कट गया था। ड्राइवर तो डर के मारे पूरा सहम गया था कि उसकी गलती की वजह से एक आदमी को उसका हाथ गंवाना पड़ा। वो बहुत घबराया हुआ था कि कहीं उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। वो हमेशा की तरह मारिया से मिलने आता है और उसे पता चलता है कि मारिया कल अपने बच्चे को मदर्स डे पर कहीं घुमाने ले जा रही है। मारिया ट्रेवर को भी अपने साथ चलने को कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी फैक्ट्री में कोई भी ट्रेवर से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी हर दिन बिगड़ती दिमागी हालत को देखते हुए लोग उससे डरने लगे थे। उसके सुपरवाइजर ने उस दिन के हादसे के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को हायर किया था। वो उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर ट्रेवर उन्हें इवान के बारे में बताता है जिसने उसका ध्यान भटकाया था। पर वो उसे बताते हैं कि वहाँ इवान नाम का कोई आदमी काम नहीं करता। और ये सब सुनने के बाद ट्रेवर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे फिर से इवान दिखाई देता है। उसके पास रेड कलर की कार थी। ट्रेवर उसका पीछा करता है। वो उसे रुकने के लिए भी कहता है, पर इवान उसे बोलता है कि अगर उसे बात करनी है तो वो उसके पीछे आए। ट्रेवर उसके साथ क्लब में जाता है। वो इवान के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसी की वजह से ट्रेवर का ध्यान काम से भटका था। पर इवान उसे कहता है कि इसका दोष मुझे मत दो, उस मशीन को तुमने स्टार्ट किया था, इसीलिए ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी। ट्रेवर उससे पूछता है कि तुम्हें कंपनी में कोई जानता क्यों नहीं, पर इवान उसकी बातों का जवाब नहीं देता। वो बाथरूम यूज करने जाता है, पर ड्राइवर देखता है कि वो अपना वॉलेट भूल गया था। ड्राइवर को उसके अंदर एक फोटो मिलती है जिसमें उसकी एक सहकर्मी के साथ इवान फिशिंग कर रहा था। ड्राइवर अब खुश था कि उसे फाइनली सबूत मिल गया है ये साबित करने का कि इवान नाम का कोई आदमी उसकी कंपनी में काम करता है। वो देर रात को अपने कलीग को फोन करता है और उसे उसके सुपरवाइजर को उसके और इवान के बारे में सब कुछ बताने की धमकी देता है, पर उसका कलीग उसे बेवकूफ समझकर उसका फोन काट देता है। ड्राइवर अपने फ्रिज पर एक नोट देखता है। वो उसे देखकर घबरा गया था क्योंकि ये उसने नहीं लिखा था और हर दिन कोई ये नोट लिखकर उसकी फ्रिज पर चिपका देता था। ड्राइवर घबराकर स्टीवी के पास आता है क्योंकि उससे बात करके उसे सुकून मिलता था। अगले दिन वो मारिया और उसके बेटे के साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाता है, लेकिन जब वो उन दोनों की फोटो खींच रहा था तो उसे अपना बचपन याद आने लगता है क्योंकि वो भी कभी अपनी माँ के साथ वहाँ पर आया करता था। वो मारिया के बेटे को एक राइड पर ले जाता है, लेकिन वो राइड उसकी उम्र के बच्चों के लिए नहीं था। वो बच्चा उस राइड से बहुत डर गया था, जिसकी वजह से उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। ड्राइवर उसे तुरंत ही बाहर निकाल लेता है। वो उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानता था, पर मैरी उसे समझाती है कि ये बीमारी उसे बचपन से है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ड्राइवर मारिया के घर में उसके फ्रिज के ऊपर बिल्कुल वैसा ही नोट देखता है जैसा किसी ने उसके फ्रिज के ऊपर चिपकाया था। उसे लगा कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। वो तुरंत ही अपने घर आ जाता है और उस नोट को दोबारा ढूंढता है। वो उसमें लिखे हुए अधूरे अक्षरों को पूरा करता है, लेकिन हर बार उसमें से कोई ना कोई अलग अलग मतलब निकल कर आता था। अगले दिन ड्राइवर फिर से अपने काम पर आता है क्योंकि वो घर पर ये सोचता हुआ नहीं बैठ सकता था कि उसके साथ आखिर क्या गलत हो रहा है, नहीं तो वो गरीबी से वैसे ही मर जाता। वहाँ उसकी मुलाकात मिलर से होती है। मिलर अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बाद भी काफी खुश नजर आ रहा था क्योंकि कंपनी ने उसे इसकी मुआवजे के तौर पर बहुत सारे पैसे दिए थे। ड्राइवर उससे माफी मांगता है और मिलर भी उसे बड़ी आसानी से माफ कर देता है। ड्राइवर जब अपने काम पर वापस जाता है तो जिस मशीन पर वो काम कर रहा था वो अचानक स्टार्ट हो जाती है और ड्राइवर का हाथ उसमें फंस जाता है।
वो मदद के लिए आवाज लगाता है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वो किसी तरह एक टूल की मदद से मशीन को जाम कर देता है और इस तरह उसका हाथ कटते कटते बचता है। ट्रेवर को लगा कि ये सब उसके खिलाफ एक साजिश थी, इसलिए वो सभी से हाथापाई करने लगता है। वो सभी उसे पागल समझते हैं और उसके इस बर्ताव के लिए उसका सुपरवाइजर उसे कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है। ट्रेवर परेशान होकर स्टीवी के पास जाता है पर वो देखता है कि उसे भी किसी ने बहुत मारा था और उसकी हालत देखकर ट्रेवर उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता था। अब ट्रेवर की जॉब जा चुकी थी इसलिए उसके पास कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने का पूरा टाइम था। एक रात वो जाग कर नजर रख रहा था ये जानने के लिए कि उसके फ्रिज पर कौन वो नोट चिपका कर जाता है, पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। कुछ देर बाद उसकी मकान मालकिन उसे बताने आती है कि उसके कमरे से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। जब ड्राइवर अपने फ्रिज को देखता है तो उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था पर वो उसे खोलता नहीं। ड्राइवर को एक नया नोट मिलता है जिसमें फिर से कुछ नए अक्षर लिखे हुए थे। जब वो उन शब्दों को जोड़ता है तो उसे फिर एक नया नाम मिलता है और इस बार उसे उसमें मिलर दिखाई देता है। अगले दिन ड्राइवर मिलर के पास जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि मिलर उसे उस दिन के हादसे का बदला ले रहा था। ये सुनकर मिलर को उसके ऊपर गुस्सा आता है इसीलिए वो उसे मार कर भगा देता है। जब ड्राइवर वहाँ से जा रहा था तो वो दोबारा से इवान को देखता है जो उसे देखकर हंस रहा था। ड्राइवर उसका पीछा करता है लेकिन देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। उसने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वो व्हीकल डिपार्टमेंट में जाता है और उनसे उस कार के बारे में पूछता है पर वो लोग किसी भी अरे गहरे को इस तरह की जानकारी नहीं देते थे। उसके पास अब एक ही रास्ता था, वो पुलिस के पास जाए, पर वो उसकी कंप्लेंट उसकी बातों पर विश्वास करके तो नहीं दर्ज करने वाले थे, इसलिए वो जानबूझकर एक कार के सामने कूद जाता है ये कहकर कि एक कार ने उसे टक्कर मारी है। वो उन्हें इवान की कार का नंबर देता है ताकि वो पकड़ा जाए। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर ड्राइवर से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो रेड कार उसी की है और ड्राइवर ने ही एक साल पहले उसके एक्सीडेंट हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ड्राइवर यहाँ बहुत कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो पुलिस वाला उसे झूठी रिपोर्ट लिखने के जुर्म में पूछताछ करने लगता है पर ड्राइवर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है पर मेट्रो की सीवर लाइन से होते हुए ड्राइवर उनके चंगुल से निकल जाता है। वो बहुत परेशान था, वो पिछले एक साल से नहीं सोया ये तो उसे पता है, लेकिन अभी जो उसके साथ हो रहा है वैसा कभी उसके साथ नहीं हुआ था। ड्राइवर अपने घर पर आता है पर वो देखता है कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी इसलिए वो स्टीवी के पास जाता है। वो उसके घावों को साफ करके उस पर दवाई लगाती है। स्टीवी अब अपना काम छोड़कर ड्राइवर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती थी। वो उसे बता रही थी कि वो आगे क्या करने वाली है, पर तभी ड्राइवर वहाँ पर वही फोटो देखता है जो उसे इवान के वॉलेट से मिली थी। ड्राइवर को लगा कि वो भी इवान के साथ मिली हुई है। वो उसे इवान के बारे में पूछता है पर स्टीवी को ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो ड्राइवर से कहती है कि जरा ठीक से देखो, इस फोटो में दूसरे आदमी तुम ही हो, पर वो उस पर चिल्लाने लगता है जिसके बाद स्टीवी उस पर गुस्सा करके ड्राइवर को घर से निकाल देती है। वो इस झगड़े के बाद और परेशान हो जाता है क्योंकि स्टीवी के अलावा उसका कोई नहीं था और उसे लगता है कि वो भी इन सब में मिली हुई है। ड्राइवर मारिया से मिलने एयरपोर्ट पर जाता है। वो रोज की तरह कुछ ऑर्डर करता है पर इस बार उसे वहाँ मारिया दिखाई नहीं देती। वहाँ एक दूसरी वेट्रेस आती है पर उसे मारिया से ही बात करनी थी। वो वेट्रेस उसे बताती है कि हर रात वो ही उसे ऑर्डर सर्व करती है और यहाँ मारिया नाम की कोई स्टाफ नहीं है। ड्राइवर उसके ऊपर भी गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और उसके आसपास के सभी लोग उसे पागल की नजर से देख रहे थे। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो एक बार फिर से इवान को देखता है। उसे इस बार इवान को किसी भी हालत में पकड़ना था। वो उसका पीछा करता है पर वो देखता है कि वो उसी के घर के अंदर जा रहा था। इस बार उसके साथ एक बच्चा था। ड्राइवर देखता है कि वो बच्चा मारिया का है। उसे लगा कि वो उसे मार देगा इसीलिए वो तुरंत उसे बचाने जाता है। वो देखता है कि इवान उसी का इंतजार कर रहा था। ड्राइवर उससे उस लड़की के बारे में पूछता है जिस पर इवान उसे कहता है कि अब नाटक बंद भी करो, तुम्हें पता है कि वो मर चुका है। वो उसे कहता है कि उसे उसका खुद के लिए फ्रिज पर नोट छोड़ने का तरीका पसंद आया। ड्राइवर उसके साथ हाथापाई करता है और उसी के चाकू से इवान का गला काटकर उसे मार देता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई लड़का नहीं था। वो दोबारा से अपने फ्रिज के पास आता है। जब वो उसे खोलता है तो उसे उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। उस फ्रिज को ड्राइवर ने पिछले एक साल से नहीं खोला था जिसकी वजह से उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ड्राइवर इवान की लाश को एक कारपेट में लपेटकर एक नदी के किनारे आता है ताकि वो उसकी लाश को ठिकाने लगा सके, लेकिन जैसे ही वो उसकी लाश को नीचे फेंकता है वो देखता है कि कारपेट के खुलते ही इवान वहाँ से गायब हो चुका था। ड्राइवर हैरान था कि आखिर वो गया कहाँ, लेकिन तभी एक आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च मारता है और हम देखते हैं कि वो आदमी इवान ही था जो पता नहीं कैसे दोबारा से जिंदा हो गया है। इवान उसे कहता है कि अब समय आ चुका है उसके सवालों के जवाब देने का। ड्राइवर को अब धीरे धीरे याद आने लगता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। इन सब की शुरुआत हुई थी एक साल पहले जब ड्राइवर एक आम इंसान था, वो भी बाकी लोगों की तरह खुश रहता था, लेकिन एक दिन जब वो अपने काम से लौट रहा था तो उसने एक बच्चे को अपनी कार के नीचे कुचल दिया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मारिया का ही बेटा था। ड्राइवर को उस समय समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो उस बच्चे को वहीं मरता हुआ छोड़कर भाग गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बाद उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि ड्राइवर बेशक कभी पकड़ा नहीं गया लेकिन उसे फिर भी इस बात का दुख हमेशा रहता था कि उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है। उसका ये दुख धीरे धीरे पछतावे में बदलता गया। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चीजों को भूलने लगा, लेकिन उसका दिमाग इतना उलझा हुआ था कि वो ड्राइवर को हमेशा ये याद दिलाता था कि उसने किसी बेकसूर की जान ली है। उसके दिमाग ने इवान नाम के एक मनगढ़ंत आदमी को बनाया जो उसे हर बार याद दिलाता था कि उसने उस बच्चे के साथ क्या किया था, और उस फोटो में उसके कलीग के साथ इवान नहीं बल्कि ड्राइवर खुद था। पर अपनी बीमारी के चलते ड्राइवर को हमेशा उसमें इवान ही दिखाई देता था। ड्राइवर उस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाकर बैठा रहता था और धीरे धीरे उसे उस बच्चे की माँ भी दिखाई देने लगी
जिसे उसने उस एक्सीडेंट के समय देखा था। ट्रेवर उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग छोटी छोटी चीजों को जोड़कर उसे यह महसूस कराता था कि उसने गलत किया है। ट्रेवर सब कुछ दोबारा याद करके रोने लगता है। वो उस फ्रिज के नोट को पूरा करता है और इसका मतलब निकल कर आता है किलर यानी हत्यारा। ट्रेवर समझ गया था कि वो अब और नहीं भाग सकता, इसलिए वो अगले दिन पुलिस के पास जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। और आज उसके साथ वो हुआ जो पिछले एक सालों में नहीं हो पाया था। आज वो चैन की नींद सो पाया। ट्रेवर की ये कहानी हमें बताती है कि पछतावा इंसान को कहीं नहीं लेकर जाता, चाहे वो पछतावा बड़ा हो जैसा ट्रेवर के केस में था, या फिर छोटे से छोटा जो हम हमेशा अपनी जिंदगी में करते हैं। आखिर में पछतावा करने से कुछ नहीं होता, बेहतर यही है कि हम अपनी जिंदगी में सही फैसले लें, जैसा कि ड्राइवर ने किया खुद को पुलिस के हवाले करके। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी